दो बड़ी कंस्टिट्यूएंसीज हैं जिसके बारे में आपने जिक्र किया, एक है युवा, एक है महिला, क्योंकि आपने बेरोजगारी की बात की और आपने महंगाई की बात की। पहले आते हैं महिला पर, क्योंकि आपने 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और आपने कई महिलाओं को टिकट भी दी। मिले कितने? 40% करीब मिले। कितने आपको? दो ही आपके उम्मीदवार जीत के आए, 90% की डिपॉजिट हार गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मोदी योगी की जो डबल इंजन है, महिला भी उससे प्रभावित हुए। अगर क्या वजह है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस दो चुनाव हारती है, यूपी में लगातार हार रही है, तो अगर महिलाओं के लिए आपने ये सब किया, महिला मोदी जी और योगी जी के साथ क्यों गए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कह देती हूँ आपको, जो आप यकीन नहीं करेंगे, कि मुझे शुरू से मालूम था कि क्या रिजल्ट आने वाला है। शुरू से हमें कोई गलत फहमी नहीं थी, लेकिन हमने ये तय किया कि इसके बावजूद हम लड़ेंगे और थोड़े नए तरीके से लड़ेंगे। मुझे बहुत गर्व है कि मैंने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का पूरा कैंपेन किया। वो एक तो कैंपेन मेरे ख्याल से अच्छी थी, चली नहीं, ये बिल्कुल मैं स्वीकार करती हूँ। क्यों नहीं चली? संगठन नहीं है कांग्रेस का, संगठन इसकी बड़ी बहुत वजह है। यूपी में संगठन बहुत कमजोर। लेकिन मैं एक बात खत्म कर देती हूँ, फिर दूसरे का जवाब देती हूँ। तो ठीक है, यूपी में चली नहीं, उसका नतीजा नहीं आया, लेकिन हमने एक नई चेतना हमने देश में ला पाए। ठीक है, और वो चेतना क्या थी कि महिलाएं जो है बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है इस देश में, और खास तौर से जो जवान महिलाएं हैं, जो अभी जिनकी महत्वाकांक्षाएं भी थोड़ी अलग हैं आजकल। तो मुझे तो बहुत गर्व है कि उसके बाद से काफी राजनीतिक दलों ने महिलाओं पर अपना ध्यान देना शुरू किया। ये जागरूकता आ गई राजनीतिक दलों में भी कि भाई महिलाओं को, तो फिर चाहे बीजेपी हो, चाहे अलग अलग पार्टियां हो प्रदेशों में, सबने, अगर आप देखें, हमने जो महिला मैनिफेस्टो निकाला था शक्ति विधान, उसमें जो जो लिखा था उसको लेकर अगर आज आप कंपेयर करें कि कौन सी अलग अलग देश भर में पार्टियां हैं जो उसमें से लेकर कई घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो ये तो अच्छा ही है। देखिए, हम चाहते थे कि एक चेतना बने महिलाओं के बारे में। मेरे लिए एक, 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 एक व्यक्तिगत मुद्दा है, मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, भागीदार होना चाहिए देश की राजनीति में, देश के निर्णय लेने में, देश को आगे बढ़ाने में। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं देखती हूँ कि अगर दूसरी पार्टियां भी कर रहे हैं तो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इसके बावजूद केवल दो सीटें आई, तो या तो संगठन की कमजोरी है, या तो एक कांग्रेस की छवि, जैसे मैंने कहा, बन गई है, या तो परिवारवाद की पार्टी है या भ्रष्ट पार्टी है। ये दो बीजेपी बार बार कहती है, भ्रष्ट पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, पार्टी परिवार है। देखिए, तो क्या वजह है कि दो ही सीटें? सबसे क्या वजह ये है कि यहाँ पे संघर्ष बहुत है यूपी में। ये कहना कि हमारा संगठन बहुत मजबूत है, ठीक नहीं है। यहाँ हमारा संगठन 32 सालों से सरकार में नहीं रहे, सत्ता नहीं रही, 32 सालों से हमारी पार्टी नीचे ही चली जा रही थी। तो देखिए, आज यूपी में हमारा संगठन मजबूत नहीं है। हमने बनाने की, उस समय जब मैं यहाँ काम कर रही थी, तो बनाने का बहुत प्रयास किया, और हमारे जो काम थे उसका नतीजा शायद इस चुनाव में थोड़ा दिखेगा, क्योंकि हमने हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में संगठन बनाने का काम किया। ये काम ऐसा नहीं है कि ऐसे खट से हो सकता है, ये काम है जिसमें बहुत गहराई से बहुत प्रयास करना पड़ता है। हमने खूब प्रयास किया, और हमें मालूम था कि उस चुनाव में नतीजा नहीं आएगा, लेकिन हमने, जैसे आपको कहा, कि हमने तय किया कि हम चुनाव पूरे दम से लड़ेंगे, चाहे नतीजा आए ना आए। उसके बाद आस्ते आस्ते संगठन में परिवर्तन भी आया। आज अगर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी एक अंडरकरेंट जैसी है जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस उठा पा रहे हैं, तो उसका एक वजह भी ये है, बहुत वजह है, लेकिन एक वजह भी ये है कि कम से कम हमारा संगठन गांव में, ब्लॉक में, जिले स्तर पर दिखने लगा और लड़ने लगा, हम लड़े। मैं अंडरकरंट और मैं आखिर में आऊंगा या आपका क्या अनुमान है, लेकिन एक और कंस्टिट्यूंसी है युवा। आपने बेरोजगारी की बात की, पेपर लीक्स की बात की, जहां भी जाते हैं ये मुद्दा है, लेकिन सवाल उठता है, एक जनरेशन आया है 91 के बाद, उनको ना इंदिरा गांधी की याद है, ना जवाहरलाल नेहरू, ना राजीव गांधी। वो जो जनरेशन है वो कहता है, यार मुझे कैंडिडेट चाहिए मेरिट पर, मुझे परिवार की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, मुझे एक नया भारत चाहिए। और तो मोदी जी ने उस भारत को फोकस किया है। आप परिवार, और आपके जो राज्य थे जहां आप रोजगार दे सकते थे, वहां नहीं मिला है, इसलिए
अगर आप कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, बीजेपी कहेगी तो फिर आपने राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया? आप लोग तय कर लीजिए कि आपको कहना क्या है। आप कहते हैं परिवार की पॉलिटिक्स, परिवार की पॉलिटिक्स, फिर आप पूरा अभियान चलाते हैं, भाजपा चलाती है, आप चलाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रियंका गांधी चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है, उसमें परिवारवाद नहीं है, वो आपके कन्वीनियंस के लिए। तो जब आपके कन्वीनियंस के लिए होता है आप उठा लेते हैं मुद्दा, और परिवारवाद की बातें ये करते हैं। इनके जरा गिनिए कितने बच्चे, कितने चाचे चाचियां भतीजे सब इनके पार्टी में है, बताइए। मैं आपको इन निकाल के दे दूंगी कितने परिवार इनकी पार्टी में। और जो आपके पार्टी में एक ही परिवार लेता ना, उनका बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी भाजपा की तरह नहीं है जहाँ निर्णय एक जना लेता है। तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी सब निर्णय लेते हैं, मंत्रियों को भी स्वतंत्रता नहीं दी है। वो मंत्री जो प्राइवेट में होते हैं वो रोते हैं कि भाई हमें भी इतनी स्वतंत्रता नहीं कि हम एक निर्णय ले पाए। हमारी पार्टी अगर ऐसी होती तो आप ये आलोचना नहीं करते हमारी पार्टी की कि भाई कांग्रेस पार्टी को देखो, कांग्रेस एक लाइन पकड़ रही है, कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नेता कुछ बोल रहा है। हमारी पार्टी सचमुच लोकतांत्रिक पार्टी, ज्यादा लोकतंत्र है। आपने ये धारणा बना रखी है कि सारा परिवार तय करता है। हमारे अध्यक्ष जी हैं और उनकी ये इंसल्ट है। हमारे अध्यक्ष एक बहुत अनुभवी नेता हैं, मेरे ख्याल से 9-10 चुनाव जीते हैं, 11 चुनाव जीते हैं, दशकों के लिए राजनीति की है, तमाम संघर्ष झेले हैं, पर्सनल और राजनीतिक भी। और ये कहना कि वो तो कठपुतली है, कोई और तय कर रहे, एकदम गलत है। ये जरूर है कि वो जहाँ उनको जरूरत पड़े वो सलाह लेते हैं, सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी से नहीं, लेकिन वो मनमोहन सिंह से जी से भी सलाह लेते हैं, चिदंबरम जी से भी सलाह लेते हैं, जो भी वरिष्ठ नेता है पार्टी के उन सब से सलाह लेते हैं। और इसमें क्या कौन सी बुरी बात है? क्या ये 2024 का चुनाव, जैसे हम आखिरी पड़ाव पर आ रहे हैं, क्या ये कहा जाए मोदी बनाम राहुल गांधी अभी भी एक लेवल पर है, और कामदार वर्सेस नामदार जो बीजेपी कहती है, क्योंकि मोदी जी ने बीजेपी कामदार नहीं है। अगर बीजेपी कामदार होती तो उनके बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत होती कि अपने काम पे वोट मांगते। उनके बड़े नेता जो हैं कायर हैं, सबसे बड़े कायर प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद हैं। वो जनता के सामने खड़े होके इतना नहीं बता सकते कि बेरोजगारी आज चरम पे क्यों है उनके कार्यकाल में। यही तो सवाल है कि मोदी जी बार बार नेहरू गांधी परिवार को टारगेट करते हैं, और आप मोदी जी को, मैंने आपका एक भाषण सुना, आपने कहा मोदी जी बड़ी गाड़ी में जाते हैं, कुर्ता हर 10 मिनट बदलते हैं, आम जनता से नहीं मिलते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। देखिए राहुल गांधी किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में जनता से जुड़ रहे हैं, ये बड़ा पर्सनल लगता है। मोदी जी बनाम नेहरू गांधी परिवार बड़ा पर्सनल है, क्योंकि हर भाषण में या तो वो आपका जिक्र करते हैं या आप उनका, और चुनाव बन जाता है मोदी बनाम नेहरू गांधी परिवार। देखिए मोदी जी को कुछ सनक है मेरे परिवार के बारे में, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम क्यों है, लेकिन हमें नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम विपक्ष हैं, सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। हम सवाल ये आज उठा रहे हैं कि मोदी जी चुनाव प्रचार में आपकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़ा पद है, आप मानेंगे कि जनता की बात होनी चाहिए। आप ये भी नहीं नकार सकते कि मोदी जी ने भैंसों की बात की है, मंगलसूत्र की बात की है, तमाम फिजूल की बातें की हैं, और उन बातों का फिर खंडन भी किया है, फिर उन बातों को रिपीट किया है। तो हम तो देखिए, हम विपक्ष के नेता हैं, हम मोदी जी के चमचे नहीं हैं। हम सवाल उठाएंगे, ये हमारा काम है। और ये चुनाव जो है मोदी जी बनाम राहुल नहीं है, ये परिवारवाद बनाम मोदी जी का जो भी वाद आप कहते हैं वो नहीं है। ये चुनाव जनता के बारे में है, ये चुनाव इन चीजों के बारे में है जिनके बारे में हम रोज बात करते हैं। हम महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देना चाहते हैं ताकि महंगाई की जो मार पड़ी है इन पे 10 सालों में इसका सामना कर पाए। हम नौजवान स्नातक पास के लिए हम पहली नौकरी पक्की और 1 लाख सालाना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नौजवान बेरोजगारी से पिस रहा है। पेपर लीक के खिलाफ हम मजबूत कानून लाना चाहते हैं क्योंकि पेपर लीक ने लोगों के जीवन बर्बाद किए हैं। ये आपके राज्य में आप सुन लीजिए तो और आपको सुन लीजिए 28 साल के हो जाते हैं बच्चे, 28 साल के हो जाते हैं, पेपर लीक पेपर दे के इंतजार कर करके कि एक दिन नियुक्ति हो गई, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, शादी नहीं हो पाती। हम कह रहे हैं किसानों के कर्ज माफ करेंगे, किसानों के समान खेती के सामानों से GST हम हटाएंगे। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में किसान पिस गया है।
आत्महत्या कर रहा है एक एक लाख रुपए के लिए, और मोदी जी माफ कर रहे हैं बड़े खरबपतियों के कर्ज। तो हम ये बातें कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव जनता बनाम गलत तरह की जो राजनीति है, जो राजनीति सिर्फ सत्ता लेने के लिए कुछ भी कह देगी, कुछ भी कर लेगी, उस तरह की राजनीति के खिलाफ। क्योंकि उन्होंने इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कहा कि अभी तक गांधी परिवार और कांग्रेस ये बात उनको पचती नहीं है कि एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है, 10 साल से अभी तक वो हजम नहीं हो रही उनको। इससे दूर कोई मतलब ये जो विचार है ये एकदम गलत है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया। अगर ऐसा है कि एक चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बने तो हमें भी गर्व है कि हमने एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित किया जिसमें हर जने को, हर व्यक्ति को इस देश में मौका मिला। और हम ये आलोचना तो कभी नहीं करते मोदी जी की, ये आलोचना तो बिल्कुल कभी नहीं करते कि मोदी जी एक गरीब परिवार से आए और इतनी ऊंचाई पे पहुंचे। हमें भी गर्व है इस बात पर, सिर्फ मोदी जी को गर्व नहीं है।